अब बात यहां तक आ गई है कि जो इमरान खान को नहीं मानते थे वो कह रहे ठीक है हम मानते हैं लेकिन आप भी तो हमें माने। अब यहां पे आके मामला रुका है, मीडिया जो है वो इसी तरफ अपनी तवज्जो रखेगा या मीडिया के लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आने वाले 2-4 दिनों में यही होगी कि इमरान खान ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का व्लॉग थोड़ा लेट इसलिए आ रहा है क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन था और आज के सेशन में बहुत गर्मा गर्म बहस हुई है, यानी एक तरफ ख्वाजा आसिफ, दूसरी तरफ उमर अयूब, फिर बाकी पीटीआई के लोग एज अ मजबूत अपोजिशन उन्होंने जिस तरह से आज टफ टाइम दिया, फिर सख्त तकारीर हुई है, तो माहौल काफ़ी गर्म था। फिर आज की बाकी खबरों में एक खबर यह है कि हुक्मरान इतिहाद की 2/3 अक्सरियत जो है वो ख़त्म हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया और जो मखसूस नशस्तें जो पीटीआई के हिस्से में आ सकती थी जिन्हें बांटा गया दूसरी जमातों में वो नशिस्तें आज मुअत्तल हो गई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता नोटिफाई कर दिया। लेकिन इससे भी जो अहम मामला है जिसके गिर्द पूरी इस वक्त सियासत घूम रही है वो है अडयाला जेल। वहां से आज बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं क्योंकि अडयाला जेल का कैदी कह रहा है कि वो माफ़ी नहीं मांगेगा बल्कि वो मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान के माफ़ी मुझसे मांगी जाए। इस वक्त सिनेरियो जो है वो मैं आपको ज़रा आसान लफ्ज़ों में अगर उसको डिस्कस करें तो इन सख्त तरीन मुखालफों में से जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, सख्त नाकेद हैं, को 2-4 बड़े बड़े अगर आप नाम लें तो उनमें से भी जो बड़े नाकेद हैं वो ये कह रहे हैं बल्कि मान गए हैं कि इमरान खान एक हकीकत है और इससे भी बड़ी हकीकत यह है कि हमारे पास अब कोई बयानिया नहीं है। जो बयानिया था वो अब कैदी नंबर 804 के हाथ में है और उसे मेन स्ट्रीम में लाए बगैर अब कोई हल मुमकिन नहीं। अब हर तरह के हरबे इस्तेमाल करके देख लिए, धमकियां, धौंस, सजाएं, ये सारा कुछ और बड़ी बड़ी बातें भी करके देख ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक। एट द मोमेंट अगर आप बात करें इमरान खान के बारे में, आज भी जो सहाफ़ी उनसे मिलके आए हैं वो बताते हैं कि वो कह रहे हैं कि कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा, चेंज नहीं आया उनके नैरेटिव में, यानी अभी भी वो अपने उसूली मौकफ के ऊपर खड़े हुए हैं। अब तीन तरह की चीज़ें हैं जिनके पेश नज़र हालात बदल सकते हैं, यानी मुज़ाकरात के लिए दबाव बढ़ रहा है, ऑल दो के बड़ा सख्त मौकफ आ चुका कि कोई बातचीत नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, बट स्टिल दबाव बढ़ रहा है। उसकी तीन वजूहात है, एक तो नेशनल डिबेट चल रही है कि भाई मुज़ाकरात करें, मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेके आए, किसी तरह से इस क्योस जैसी सिचुएशन से निकालें। तो सिर्फ पीटीआई एज अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ही नहीं बाकी मुख्तलिफ जगहों से इवन इमरान खान के मुखालफिन की भी अब बस हो गई है, वो भी ये कह रहे हैं कि यार बातचीत करें, हम मानते हैं कि इमरान खान हकीकत है लेकिन कम अज़ कम वो भी तो हमें माने। अब बात यहाँ तक आ गई है कि जो इमरान खान को नहीं मानते थे वो कह रहे ठीक है हम मानते हैं लेकिन आप भी तो हमें माने। अब यहां पे आके मामला रुका है और इस वजह से अब मुल्क में एक ग्रैंड डायलॉग की बहस शुरू हो चुकी है और जिस तरह से बताया जा रहा है, राना सनाउल्ला ने जिस तरह से आगे बताया कि नवाज शरीफ भी इस मामले के लिए राजी हैं, तो क्या नवाज शरीफ के साथ पीटीआई बैठेगी मुजाकरात करने के लिए? ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इस वक्त बहस चल रही है। दो तरह के दबाव और हैं, यानी IMF ने भी आज वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुजीर है क्योंकि इन हालात में पाकिस्तान एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आगे बढ़ रहा है IMF के साथ लॉन्ग टर्म डील के लिए। उससे पहले IMF का ये पूरा स्टेटमेंट, ये पूरा नैरेटिव आना कि छोटी छोटी जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई है और जो बड़ी जमात है या बड़ा एक ग्रुप है वो अपोजिशन में बैठा है, तो वो भी ये लिख रहे हैं कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए आपको सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा, ये IMF कह रहा है। और फिर तीसरे नंबर पे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इंतहाई अहम और गैर मामूली दौरा अचानक मुलतवी होना, ये भी एक बड़े इंडिकेटर्स में से एक इंडिकेटर है। इसकी वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी ऑफिशियल सतह पे, लेकिन ज़राए सोर्सेज इसके नाम पे जो कुछ बताया जा रहा है वो या ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो तो यही बता रही हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम उसकी एक वजह बना है। अब इस सारे मामले में हुकूमत ये चाहती है कि इमरान खान किसी तरह से गैर मशरूत मुज़ाकरात का आगाज़ करें क्योंकि मशरूत मुज़ाकरात अगर हुए तो फिर मैंडेट हाथ से जाएगा क्योंकि इमरान खान की तो पहली शर्त ही ये है कि मुज़ाकरात जो हैं वो मशरूत तौर से शुरू हों। और इस सिलसिले में इंतहाई मुसद्दका यानी कन्फर्म मालूमात के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो संजीदा हल्के हैं इनर सर्कल्स में, जो टॉप टीयर की लीडरशिप है, उनमें मुशावरत का आगाज़ हो गया है। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले असद कैसर ने टेलीविज़न पर इसकी तस्दीक भी कर दी, ARY के प्रोग्राम पर ही बैठे थे, कि हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं इन पर हम आपस में मुशावरत कर रहे हैं और बानी PTI से भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ इमरान
खान ने आरिफ अलवी को भी मैंडेट दे दिया है। अब ये सारी चीजें अगर आप देखें, पूरे हालात देखें, तो जितना मर्जी सख्त मौकफ किसी साइड से आ जाए, लेकिन माहौल, मोमेंटम या सिचुएशन जो है वो काफ़ी हौसला अफजा है। लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है अगर इसी शिद्दत से ये मुज़ाकरात या डायलॉग जैसी बातें आगे बढ़ती रही। इन तमाम हालात में इमरान खान ने आज इंदिया दिया है कि वो आर्मी चीफ को एक ख़त लिखने वाले हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। यानी अभी तक तो उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखा था या आर्मी चीफ के हवाले से वो मुतअद्दद बयान देते रहे, लेकिन जब बात होगी एक ख़त लिखने की या उसको क्राफ्ट करने की, पहले तो है ना सहाफ़ी ने कोई सवाल पूछा और आपने जवाब दे दिया, उसको मीडिया रिपोर्ट किस तरह से कर रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। लेकिन जब मामला यहाँ पर पहुँचा कि वो ख़त तहरीर करेंगे और उस ख़त में अपना मौकफ जो है वो वाज़ह तौर पर रखेंगे, तो ये इट्सेल्फ एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। और आने वाले दो चार दिनों में मुझे लगेगा या लगता है कि मीडिया जो है वो इसी तरफ अपनी तवज्जो रखेगा, या मीडिया के लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाले दो चार दिनों में यही होगी कि इमरान खान ने यह ख़त तहरीर कर दिया है। अब माफ़ी के सवाल पर वो कहते हैं कि माफ़ी मैं नहीं मांगूंगा, बल्कि वो इस बात पर भी आ गए हैं कि माफ़ी मेरे से मांगी जाए। तो दोनों तरफ से यानी मौका जो है वो काफ़ी सख्त है, लचक थोड़ी कम ही नज़र आ रही है, बट स्टिल होपफुल हैं सारे लोग। फिर इमरान खान को ये लगता है कि हुकूमत के लिए जून का जो महीना है वो बहुत मुश्किल होने वाला है। ऑब्वियस रीज़न उसकी एक तो ये है कि बजट आने वाला है, बजट में वैसी गवर्नमेंट जो है वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार होती है, नए टैक्सेस लगते हैं, अवामी दबाव, इधर से पेंशन, उधर से तनख्वाहों का रोला, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन दूसरी वजह यह है कि आज हुक्मरान इत्तेहाद की जो दो तिहाई अक्सरियत थी वो हो गई है ख़त्म। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों का, जो इजाफी मखसूस नशस्तें थी उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। तो उस सूरत में अब होने क्या जा रहा है, यानी एक तो सेनेट इलेक्शन भी मुतनाज़े हो सकते हैं, फिर सदारती इंतखाब भी कुछ लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि जिसकी बेस के ऊपर ये सारा कुछ बिल्डिंग खड़ी की गई उसकी बेस ही सारी गलत थी, वो दुरुस्ती नहीं थी, वो मखसूस नशस्तें उनके पास थी नहीं जिसकी बेस पे अपनी मेजॉरिटी शो करके ये सारा कुछ किया गया। तो जून तक जो माहिरीन है वो ये बताते हैं कि सिस्टम जो है वो कलेप्स कर सकता है अगर मामला सही तरीके से हैंडल ना हो सके। दूसरी तरफ इमरान खान की जो जमानतों का मामला है वो भी अब मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, यानी जो उन्हें सज़ाएं दी गई थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपने रिवर्स गियर की तरफ आना शुरू हो चुकी हैं। एक सज़ा मुअत्तल हो चुकी, बाकी दो सज़ाएं यानी 190 मिलियन पाउंड और फिर ये साइफर केस वाला जो मामला, ये दोनों सज़ाएं जो है वो अब अपने हतमी मरहले की जाने बढ़ चुकी हैं, कालादम होने के करीब करीब है। आज भी समाप्त हुई 190 मिलियन पाउंड की, और अब ये मेरा ख्याल मैक्सिमम कल तक या शायद एक आध कोई और समाप्त होगी और उसमें कंक्लूड हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि कल तक ये कंक्लूड हो जाएगा केस, वैसे आज भी हो सकता था लेकिन थोड़ा सा मार्जिन मिल गया जो हुकूमती प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको, और अब ये चला गया कल तक मामला। कल जो नैब के वकला हैं वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, तो कभी इम्कान ये है कि इस केस में भी इमरान खान साहब को ज़मानत मिल सकती है। ना मिले तो वो जजेस की अपनी जवाबदेही है, लेकिन इम्कानात बढ़ गए हैं। और दूसरी तरफ परसों जो है वो साइफर केस की समाअत शुरू होने जा रही है, तो उसमें भी अब आपको पता है कि हाथी तो निकल चुका, अब दुम पे मामला अटका हुआ है, कब तक लटकाएंगे कब तक अटकाएंगे वो तो मालूम नहीं है, लेकिन ये दो केसेस में अब उनकी ज़मानत काफ़ी करीब पहुँच चुका है मामला। अब इमरान खान ये कहते हैं कि उनका जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है वो बड़ा क्लियर है, वो कहते हैं कि 35 अरब रुपए जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए हैं और उसके ऊपर 13 अरब रुपए का मुनाफा भी हो चुका, यानी एक ऐसी रकम जो आई भी सुप्रीम कोर्ट के पास उसके ऊपर मुनाफा भी सुप्रीम कोर्ट कमा रही है और आज के दिन तक कमा रही है, इन्वेस्ट किया हुआ है वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ने, और वो पैसा इमरान खान के ना अकाउंट में है ना उनके इस्तेमाल में है, तो उसके ऊपर कैसे सजा दी जा सकती है। हाँ, ये एक सवाल अदालत ज़रूर पूछती है कि 190 मिलियन पाउंड वाला जो मुआहदा था वो खुफिया क्यों रखा गया, यानी कैबिनेट ने उसको खुफिया तरीके से उसकी मंजूरी क्यों दे दी एक बंद लिफाफे के ऊपर। तो जब आज इमरान खान से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इस मुआहदे को खुफिया रखना प्रॉपर्टी टाइकून यानी मलक रियाज और नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की है उनकी डिमांड थी, अगर उनकी डिमांड ना मानते और ये केस सिविल अदालत में चला जाता तो ये मज़ीद 5 साल तक लटका रहता और पाकिस्तान को पैसे ना मिलते, लेकिन चूंकि उन्होंने एक शॉर्टकट तरीके से इसको जल्दी वाइंड अप किया, 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान पहुँच गया, तो फ़ायदा किसको हुआ, हुकूमत पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वो पैसा पड़ा है।
लेकिन मामला जहाँ आके फंस जाता है उधर जनाब के अलकादर ट्रस्ट और वो जो बंजर ज़मीन है, वो इमरान खान कहते हैं कि एक बंजर ज़मीन के ऊपर एक ट्रस्ट कायम की और उसमें बच्चों को तालीम दी जा रही है, ये कसूर है सारा उनका। या तो होना कि 190 मिलियन पाउंड सारे का सारा इमरान खान या बुशरा बीबी के पास चला गया, तो चलो कुछ मंतक समझ में भी आती है। फॉर एग्जाम्पल वो घड़ी वाला मामला है ना, तो चलो समझ में भी आती है कि घड़ी जो है वो उन्होंने बेच दी या जो भी किया, उसका पैसा तो उनके पास आया ना, वो चाहे उसकी आपने सड़क बना ली या कुछ भी किया, पैसा उनके पास गया। एक रीज़न बन जाती है केस बनाने की, एक लॉजिक बन जाती है बहस करने की। लेकिन यहाँ पे बहस की या केस बनाने की रीज़न या लॉजिक क्या है, ये सही से लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाए और बहुत सारी कन्फ्यूजन है। फिर इमरान खान कहते हैं कि जो नैब की इंक्वायरी थी उनके अगेंस्ट इस सारे मामले की, वो एक बार बंद कर दी गई थी, बता दिया गया था, नैब के मिनट्स इमरान खान के पास मौजूद है जिसमें कहा गया कि ये इंक्वायरी बंद की जाती है, लेकिन दो साल के बाद वो इंक्वायरी दोबारा खोल दी। तो वो कहते हैं कि इन्हीं मामलात की वजह से चेयरमैन नैब मुस्ताफ़ी हुए, वाइस चेयरमैन नैब मुस्ताफ़ी हुए, प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन स्टिल ये केस चल रहा है। फिर अडयाला जेल में आज शेर अफजल मरवत के बारे में भी थोड़ी सी गुफ्तगू हुई, जब साफियों ने उनसे सवाल पूछे तो इमरान खान ने कहा कि शेर अफजल मरवत ने बिलाशुबा पार्टी के लिए ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन सियासी जमात में कुछ दायरे होते हैं जिनके अंदर रह के काम करना है या खेलना है। तो शेर अफजल मरवत को वो कहते हैं, कई बार मैंने समझाया था कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी ना करे, लेकिन वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा बयान देते थे और पार्टी लीडर के ऊपर चढ़ाई शुरू कर देते थे, जो बाकी लीडरशिप थी उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर वगैरह। तो वो कहते हैं कि जंग बाहर वालों के साथ होती है, पार्टी के अंदर अपने लोगों के साथ नहीं। फिर सऊदी वफ्द के हवाले से या उनके दौरे के मौके पर जो उन्होंने मुतनाज़ा बयान दिया, उसके ऊपर भी आज उन्होंने अपने तहफ़ुज़ात का इजहार किया कि ये जो बयान शेर अफजल मरवत ने दिया वो मुतनाज़े बयान था, और वो ये समझते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने उनके कहने पर दो मरतबा पाकिस्तान में OIC कॉन्फ्रेंस करवाई। तो शेर अफजल मरवत के हवाले से अभी भी थोड़ा सा नरम गोशा है, थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छा खासा है। वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन पार्टी पॉलिसी की अगर बार बार खिलाफ वर्जी होगी तो वो स्पेयर नहीं की जाएगी, और वो उन्होंने ये कहा है कि अगर अब भी वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चले तो कोई इशू नहीं है। अभी नोटिस जारी किया है, देखते हैं उसका वो क्या जवाब देते हैं। तो साफियों ने उनसे पूछा कि शेर अफजल मरवत कहते हैं कि बानी PTI मिला जब बुलाएंगे तब मुलाकात के लिए जाऊँगा, तो क्या आप उनको बुला रहे हैं मुलाकात के लिए? तो इमरान खान ने खैर इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वो चले गए। और आज भी शेर अफजल मरवत से जब पार्लियामेंट में हमारी बात हो रही थी, वो भी यही कह रहे हैं कि मेरे से कोई सवाल पॉलिटिकल करो ही ना। वो ऐसे लग रहा था जैसे वो उकताए हुए हैं मीडिया से और वो फेस करना ही नहीं चाहते मीडिया के सवाल का, बल्कि कुछ साफ़ी उनसे सवाल कर रहे थे, वो गुस्सा कर रहे थे कि इस बारे में मेरे से बात ही ना करो, इमरान खान बुलाएगा तो मैं मुलाकात के लिए चला जाऊँगा, नहीं बुलाएगा तो नहीं जाऊँगा, हूँ मैं पार्टी के अंदर ही। तो ये इस वक्त के सिनेरियो हैं। खैर आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।